सुपर सबनेटिंग एक्चुअली नेम जी कुछ भी नहीं है। देखिए हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, हमें उनके आंसर निकालने, और वही फॉर्मूला वही रूल रहेगा जो मेरा रूल है, मैंने जो आपको सिखाया। देखो ये वेबसाइट है, यहाँ से हम इसको ट्राई करेंगे रिजॉल्व करने के लिए क्वेश्चन जो आएंगे। एक वेबसाइट है, आप इसको मोबाइल पे भी एक्सेस कर सकते हो और इजीली आप सबनेटिंग पूरे अच्छे से सीख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके सर, वेबसाइट का नाम है subnettingquestions.com। आ गया क्वेश्चन, क्या कह रहा है, व्हाट वैलिड होस्ट रेंज इज द आईपी, और ये उसने डिटेल दे दी। अब पार्ट ऑफ वो पूछे इस एड्रेस के अंदर वैलिड होस्ट कितने हैं, उनकी आईपी बताओ। तो भाई क्वेश्चन है ये, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये रैंडम होता है, सर्वर जो है ना एक जनरेट करके देता है क्वेश्चंस आपको। जी जी सर, चलो देखो अब इस क्वेश्चन को क्रैक करते हैं हम लोग, बहुत इजी ट्रिक है, बहुत ही ज्यादा। ओके सर, आपको बस ध्यान से समझना है क्या है। रिक्वायरमेंट वाला मैंने सिखा दिया है, कैसे निकालते हैं, कितने यूजर की आईपी, कितने नेटवर्क निकाल सकते हैं। जी जी, अब कई बार नेटवर्क में टास्क क्या होता है, कई बार आपसे पूछा जाएगा कि नईम जी ये बताइए, जो आपको ये एड्रेस दिया गया है, ये एक आईपी है या नेटवर्क है या ब्रॉडकास्ट है, कौन सा एड्रेस है ये, तो भाई आप कैसे बताएंगे। बहुत इजी ट्रिक है, देखो आपको जब दिया जाए ऐसा कुछ तो उसके साथ स्लैश वैल्यू जरूर दी जाएगी। जी सर, स्लैश वैल्यू कितनी है, 24 है स्लैश वैल्यू। तो भाई मैंने बोला स्लैश 24, यानी ये क्या है स्लैश वैल्यू मेरा, एक एट सबनेटिंग है सर, सबनेट मास, ठीक है, और सबनेट मास में कितनी ऑक्टेट होती है, एट ऑक्टेट होते हैं, दो तीन तीन और चार, चार ऑक्टेट होती है, हर ऑक्टेट में कितनी बिट होती है, एट बिट, ठीक है, चलो, और टोटल कितने बिट होती है, 32, 32 बिट, बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे स्लैश वैल्यू कितनी आ रही है, 24, यानी 8 ये वाली फुल हो गई होगी, ये वाली पहली जी सर, तो 255, दूसरी वाली फुल हो गई तो 255, तीसरी भी फुल हो गई 255, तभी तो स्लैश 24 हुआ, और बची हुई जो है ये वाली 8 बिट, ये क्या रहेगी, 8 बिट, 0। तो मेरा सबनेट मास्क क्या बन गया है, कस्टमाइज सबनेट मास्क, 255 255 डॉट 0 जीरो, बस बहुत सिंपल है। अब देखो अगर इस ऑक्टेट में 8 बिट है, जी तो भाई मैं एक फॉर्मूला लगा दूं, जी सर, बिट ऑफ है, 8 बिट ऑफ है ना, 8 बिट है, पावर 8 माइनस 2 होस्ट वाला फॉर्मूला, जी सर, 254 माइनस 2 कितने वैलिड आईपी होंगे, 254, बहुत बढ़िया। अब ये एड्रेस उतार लो, 172.17.142 और 233। अब देखो पहली ऑक्टेट आपके सबनेट मास्क में फुल है या फ्री है, फुल है सर, बहुत बढ़िया। दूसरी क्या है, फुल है, फुल है, बहुत बढ़िया। थर्ड वाली, फुल है सर, फुल है, थर्ड वाली भी फुल है, लेकिन फोर्थ वाली क्या है, फ्री है सर, फ्री है, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, 233, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, जीरो। जी सर, जैसे ही मैं इसको जीरो करूंगा तो ये क्या बन जाएगा मेरा, फर्स्ट नेटवर्क, फर्स्ट नेटवर्क, बहुत ही बढ़िया नहीं जी, बहुत बढ़िया। एज इट इज 172 उतारा, 70 उतारा, 142। अब देखो ये जीरो से कहां तक जाएगा, क्योंकि मेरा कोई इंक्रीमेंट आ रहा है यहां पे, नहीं, यहां पे तो सारी बिट ऑफ है, तो मैंने क्या लिख दिया, लास्ट ये कहां तक जाएगा, 255 जाएगा इसका ब्रॉडकास्ट, और 1 से लेके 254 तक क्या निकलेंगी, वैलिड आईपी, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व है। उसने क्या बोला था, वैलिड होस्ट रेंज इज द आईपी एड्रेस, भाई ये वैलिड आईपी है और 254 आईपी निकलेंगे, तो चलो देखो आंसर कहां से कहां तक है। जी सर, देख लो आपके सामने, 1 से लेके 42 यस सर, 1 से लेके 242.254 तक, 4 तक, यही तो आंसर है हमारा भी, जी सर, 1 से लेके। चलो एक और क्वेश्चन ले, रैंडम, ओके सर, आराम से समझना, सुपर सबनेटिंग यही होती है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, व्हाट इज द फर्स्ट वैलिड होस्ट ऑन द सब नेटवर्क दैट द नोड, ये वाला भाई सही है, मेरे को अभी सॉल्व करना है, सॉल्व करने की ट्रिक बतानी है बस आपको, बाकी इंग्लिश हम बाद में पूछेंगे।
इतना कोई रीजन नहीं है, देख लो। अब पहले तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्या पकड़ना है आपने उसका, तो इंक्रीमेंट बिट 64 हो गया, बिल 16 अभी देख लेंगे, देख लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। सबनेट मास्क 255 255 55 डॉट 240। अब देखो ये CSM है, तो CSM तो मिल गया, अब इंक्रीमेंट निकालना है। तो अगर ये 240 है तो कैसा होगा, 255 कितनी बिट ऑन होगी, 1 2 3 4 चार बिट पे तो 240 बनेगा और चार बिट हो जाएंगी ऑफ हो जाएगी ऑफ। बहुत बढ़िया। अब देखो अगर आप इसमें इंक्रीमेंट निकालना है तो बहुत सिंपल है यार, इंक्रीमेंट देखो क्या होता है, फर्स्ट ऑन बिट देखते हो या नहीं सर, इंक्रीमेंट के लिए मैंने बताया था 256 माइनस 240 कितना आएगा इंक्रीमेंट 16 बस हो गया। अब देख लो, अब ये एड्रेस उतार लो 172.21.194। अच्छा ये 172.21.6.194 ठीक है भाई, कोई इशू नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, पहली ऑक्टेट फुल है सर, दूसरी फुल है, तीसरी फुल है, ये फोर्थ वाली क्या हो जाएगी, जीरो जीरो हो जाएगी, तो ये 16 16 जाएगा सर। हाँ इंक्रीमेंट करते हुए जाना है, देखते हैं कितने जाता है। ये जीरो, ये कौन सा नेटवर्क है, फर्स्ट जब 16 आएगा तो कौन सा होगा, सेकंड। हमें जाना कहाँ तक है, 194 तक, ठीक है ना, फोर तक। तो 16 का करेंगे तो 32 थर्ड हो जाएगा, 48 फोर्थ हो जाएगा, 48 में 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 फिफ्थ हो जाएगा, फिर 86 नेटवर्क हो जाएगा, 96 सेवेंथ हो जाएगा, 112 एट हो जाएगा, 128 नाइन्थ हो जाएगा, 144 टेंथ हो जाएगा, चलो ठीक है, 160 कितना हो जाएगा, 11 176 कितना हो जाएगा, 12 और जैसे ही 16 जोड़ोगे कितना आएगा, 192 ये थर्ड आएगा, तो भाई देखो 192 में 16 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 208 ये 14 208 से पहले क्या आएगा, 207 क्या होगा, ब्रॉडकास्ट, और 193 से लेके 206 तक क्या निकलेगी, वैलिड आईपी है ना। तो ये एक्चुअली कैसा होगा, 172.21.6.192 ये 13 नेटवर्क है हमारा, है ना, कौन सा 13, 172 से 21.6.207 क्या होगा इसका, ब्रॉडकास्ट, और 193 से 206 तक क्या निकलेंगी, वैलिड आईपी। अब मैंने बोला था फॉर्मूला आता है वैलिड आईपी निकालने का, कितनी बिट ऑफ करी थी, चार, तो 2^4 - 2 16 - 2 कितनी वैलिड आईपी होंगी, 14 वैलिड आईपी। अब देख लो आंसर, 193 क्या होगी इसकी, पहली आईपी, तो देख लो आपकी भी 193 आ रही है, जी सर, उसने पूछा था ना फर्स्ट वैलिड आईपी, जी सर, 193 पहली आईपी है। चलो एक और निकाले, ओके सर, आराम से समझो दोबारा से, यही क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा आज पूरे, सबनेटिंग मुझे बिल्कुल अच्छे से चाहिए, तभी मैं आगे के टॉपिक पढ़ेंगे ना, नेटवर्क बनाना सीख लेंगे तो, जी सर। चलो दोबारा देखो, टाइम लगे लेकिन अच्छे से सीखो, ओके सर, कोई चलो ये देखो, ये इसका सबनेट मास है, ये पूछा है वैलिड होस्ट की रेंज यानी कितने हैं, तो भाई मैंने ये सबनेट मास उठा लिया, 255 255 255 128। अब देखो अगर इंक्रीमेंट निकालना हो ना इसका, जी सर, तो 256 को 128 में से माइनस कर दो, सिंपल 128 आ जाएगा सर। बहुत बढ़िया हो गया, जी सर। अब देखो अगर और भी शॉर्टकट करना है तो इस फोर्थ ऑक्टेट में कितनी बिट ऑफ है वो देख लो सर, कितना बिट, 3 बिट ऑफ, 1 बिट ऑन होगी और 7 बिट ऑफ हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी, क्लियर है, तो 2^7 - 2
128 माइनस 2 कितनी वैलिड आईपी होंगी? 126। ये भी एक शॉर्टकट तरीका है। चलो एक बार देखते हैं, ये एड्रेस उतार लेते हैं, ठीक है? तो 172.24.94, तीन ऑक्टेट तो मेरे सबनेट मास में फिक्स है, फोर्थ ऑक्टेट पे 130 बने, तो मैंने इसको क्या बोल दिया? जीरो। जीरो कौन सा नेटवर्क है? फर्स्ट। फर्स्ट 222 24 94 28 ये कौन सा 128 सेकंड 172 24 94 128 और 128 256 इंक्रीमेंट होगा ना, 128 प्लस 128 256, तो भाई 256 तो लिख ही नहीं सकते, क्या लिखना है? नहीं सर, वैलिड है नहीं, 255 ब्रॉडकास्ट। 129 से लेके 254 तक क्या निकलेंगी? नेटवर्क वैलिड आईपी। वैलिड आईपी, और हर नेटवर्क में कितनी आईपी होंगी? 126। चलो देख लो आप लोग आंसर, 129 से 254 तक जा रही है, चेक करो जी सर, आपकी भी तो इतनी है, 129 से 254 तक। चलो ठीक है, अब देखो थर्ड एक और क्वेश्चन, ये वाला आप करके देखेंगे? जी सर। What is the first valid auth of the subnetting? हाँ, एक मिनट, क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं, बहुत सिंपल है, शॉर्ट छोटी सी ट्रिक है इसकी, बहुत छोटी ट्रिक है जी, बस आपको क्वेश्चन में देखना है फर्स्ट वैलिड होस्ट ऑन द सबनेट, तो पहले तो आप उसकी स्लैश वैल्यू को तोड़ दो, कितनी लिखी है? 8 8 8 16 14 3 और 3 CSM का हो जाएगा 255 255 255, 3 बिट ऑन होने का मतलब 192 सर, 64 बिट इंक्रीमेंट आ जाएगा, 224 सर, 224। अब इसका इंक्रीमेंट निकाल लो, 224 माइनस 256 32 बिट, ठीक है? चलो अब ये उठा लो, ये वाला एड्रेस बस 192 168 127 डॉट, क्योंकि तीन ऑक्टेट तो मेरी पहले से ही फिक्स है, और चौथी ऑक्टेट क्या कर दी? जीरो, फुल थी। ये कौन सा नेटवर्क है? तो? अब देखो 192 फर्स्ट, 168 128 27 32, ये सेकंड, तो 32 का इंक्रीमेंट करेंगे, 64 कौन सा होगा? थर्ड। 64 96 कौन सा होगा? 96 फोर्थ, 96 प्लस 32 ये कितना हो जाएगा? 128 128 फिफ्थ बनेगा, 128 प्लस 32 160 सिक्स्थ, फिर 192 सेवेंथ, फिर प्लस 32, तो भाई अभी तो बताया था 224, ये कौन सा होगा? 8। अब देखो जो 213 है वो कौन से नेटवर्क में आ रहा है? 193 से लेके 223 तक, ये क्या निकलेगा? ब्रॉडकास्ट, और 222 क्या होगी? 193 से 222 तक वैलिड आईपी। चलो अगर ये 224 है तो एक नेटवर्क में कितनी आईपी होंगी, कितनी बिट ऑफ करी थी इस फोर्थ वाले में? ऑन कितनी थी? थ्री। ऑन कितनी थी? तीन। थ्री। और ऑफ कितनी होगी फिर? अब पांच। बहुत बढ़िया, माइनस टू, 32 माइनस 2 कितनी वैलिड आईपी आई? 30। चलो देख लो आपने सॉल्व कर दिया, 193 पहली आईपी आ गई, ये लो आपकी भी तो यही थी फर्स्ट आईपी, वैलिड आईपी आ गई ना, यस और नो? यस सर। एक और क्वेश्चन करें? जी सर। हाउ मेनी सबनेट एंड होस्ट पर सबनेट, ये पूछ रहा है कि कितने नेटवर्क निकलेंगे और हर नेटवर्क में कितनी वैलिड आईपी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, तो आप आराम से बता दो, फॉर्मूले तो याद कराए थे मैंने, देखो जी सर। तो इसका सबनेट मास पकड़ लो, बस सिंपल है, हाउ मेनी सबनेट एंड होस्ट पर सबनेट इफ यू गेट दिस नेटवर्क, ओके पहले तो इसका इंक्रीमेंट निकाल लो, इसका सर इंक्रीमेंट वही पूरे सेकंड बिट में ना सर, 2 हो जाएगा, हो जाएगा, बहुत बढ़िया, आपने बहुत जल्दी निकाल लिया। अब एक बार बताओ थर्ड ऑक्टेट में कितनी बिट ऑफ है? एक। और फोर्थ ऑक्टेट में कितनी बिट ऑफ है? एट। वन प्लस एट कितनी हो गई टोटल बिट? नाइन। तो 2 की पावर 9 लगा दो और माइनस 2 कर दो,
ओके सर, 512 माइनस 2 510 क्या निकल जाएंगी वैलिड आईपी हर नेटवर्क में, और नेटवर्क के लिए कितनी बिट ऑन है यहाँ पर थर्ड में कितनी बिट ऑन है 254 कितनी बिट ऑन करने पे बनता है सेवन बहुत बढ़िया, तो 2 की पावर 7 100 क्या बनेंगे 128 क्या होंगे इसके नेटवर्क और हर नेटवर्क में वैलिड आईपी कितनी होगी 510। लो भाई देख लो आपने सॉल्व करा है, रिवील द आंसर 128 सबनेट 510 हो गया ना जी सर। चलो एक और देखें जी सर, चलो एक और नेक्स्ट कर लेते हैं। सबनेट इज इक्वल टू नेटवर्क पूछता है ये पूछ रहा है व्हाट इज द लास्ट वैलिड होस्ट, बड़ो क्वेश्चन क्या लिख रहा है व्हाट इज द लास्ट वैलिड इस नेटवर्क में, जो ये नेटवर्क दिया है इसको जी सर नेटवर्क है या मुझे नहीं पता, ये इसका सबनेट मास्क है, तो पहले सबनेट मास्क को रख लो, इंक्रीमेंट बिट निकल जाएगा सर 2 इंक्रीमेंट निकाल लो तुरंत इसका 32 हो जाएगा सर। बहुत बढ़िया, अब देखो अब ये देखो एड्रेस उतारना है पहले तो 172.1.137.0 तो भाई ये तो मुझे कंफर्म हो गया कि फोर्थ ऑक्टेट तो पहले ही जीरो है जी सर, फोर्थ ऑक्टेट तो पहले ही क्या है जीरो है। तो मेरी फोर्थ ऑक्टेट तो पहले ही फ्री है, यानी ये कौन सा नेटवर्क है फर्स्ट नेटवर्क और 172.90.137. इंक्रीमेंट 32 का 32 वन से लेके 31 तक जाएगा, 31 क्या बनेगा ब्रॉडकास्ट और वन से लेके 30 तक क्या निकलेंगी वैलिड आईपी, तो ये पूछ क्या रहा है लास्ट वैलिड होस्ट ऑन द सब नेटवर्क, तो ये है भाई लास्ट तो 30 नंबर वाला, ये सुनो लास्ट आईपी 30 वाली तो है देखो जी सर है ना जी सर जी सर, देखो देखो आप देखो इधर 172.90.137.30 जी लास्ट सर, ही तो पूछी तो लास्ट निकाल दी मैंने जी सर। एक और निकाल लेते क्वेश्चन, चलो ये वाला देखते हैं विच सबनेट डज होस्ट, ये जो होस्ट है ये कौन से नेटवर्क का है जी सर, तो ये सवाल बहुत बढ़िया क्वेश्चन है देख लेते हैं, इसी सवाल पे मैं अटक जाता हूँ सर। हाँ जी यही सवाल पे अटक जाता है विच सबनेट डज होस्ट, कोई नहीं अभी आएगा देखो आप ही करोगे मैं नहीं बताऊंगा, अब पहले तो इसको क्या करना है इसकी स्लैश वैल्यू को तोड़ दो करिए क्या आएगा सबनेट मास्क 8 8 8 2 5 5 2 5 5 2 5 5 0 0 इंक्रीमेंट निकलेगा क्या नहीं इंक्रीमेंट नहीं निकलेगा, इंक्रीमेंट तो निकल नहीं सकता ना फोर्थ बिट पूरी ऑफ है, अगर थर्ड में होते तो निकालते और फोर्थ में अगर कोई बिट ऑन होती तो निकलता, चलो जी सर। अब मैंने इसका ये पहला ये उतार लिया 172.18.28 तीन ऑक्टेट तो मेरी क्या है सबनेट मास्क में जी फुल सर। है और फोर्थ ऑक्टेट को मैंने क्या कर दिया डॉट जी, तो ये कौन सा नेटवर्क बन गया फर्स्ट नेटवर्क फर्स्ट, अब इसमें इंक्रीमेंट तो आया नहीं तो ये 172.18.28 लास्ट कहाँ पे जाएगा 255 क्योंकि देखो सारी बिट ऑफ है ऑफ तो 56 तो हो नहीं सकता 255 क्या बनेगा ब्रॉडकास्ट, तो 1 से लेके 254 तक क्या होगी वैलिड आईपी, और इसने क्वेश्चन क्या पूछा है विच सबनेट डज होस्ट, सबनेट का मतलब नेटवर्क, तो ये रहा ना नेटवर्क 172.18.28.0 वाला इस नेटवर्क में है ये तो 175 इसमें तो आएगा जी सर, 1 से लेके 254 तक जब जाओगे तो 175 आएगा है ना, तो देख लो यही बोलेगा, ये देख लो क्या लिखा हुआ है नेटवर्क एड्रेस मैच करो तो फिर जीरो से आ जाएगा ना सर, जीरो से लेके हाँ तो नेटवर्क एड्रेस तो मैंने पहले एरो कर रखा है ना 172.18.28.0 फर्स्ट नेटवर्क इसी नेटवर्क में आएगा ना। ओके सर देखो आप समझो कोई डाउट है तो मुझे पूछो मैं बताऊंगा दोबारा, कोई दिक्कत नहीं सर अभी क्लियर होगा। ओके सर नेटवर्क पूछ रहा ना तो एक से लेके वहां तक बनेगा ना नेटवर्क, पहले नेटवर्क बनाना है आपको, इंक्रीमेंट निकले तो इंक्रीमेंट निकालो नहीं तो नेटवर्क, अभी सबने डज लास्ट होस्ट पूछेगा तो मुझे लास्ट होस्ट बताना ये वाला बताना है 254। ओके सर नेटवर्क डज होस्ट पूछेगा तो फिर फर्स्ट वाला, हां एक और क्वेश्चन करते
सबनेटिंग में बिल्कुल हाथ एकदम सही होना चाहिए ताकि आपको ट्रिक भी पता हो और फास्ट निकल भी जाए। चलो एक और लगता इसको हो जाएगा 8, 8, 16, 24 और एक क्वेश्चन क्या है, लास्ट वैलिड होस्ट पूछा है भाई सब नेटवर्क में, तो स्लैश वैल्यू कितनी है 25 का मतलब होता है CSM लिखना है जी सर, 24 हो गई और एक बिट ऑन है यानी एक बिट 128 इंक्रीमेंट निकल जाएगा इसका जी सर 128 बहुत फास्ट। यहीं पर अगर फॉर्मूला लग जाए तो बढ़िया है, ये लो 172 27 40 तीन ऑक्टेट फुल है, फोर्थ वाली क्या कर दो जीरो, ये कौन सा नेटवर्क है फर्स्ट 172 27 14 डॉट इंक्रीमेंट कितने का आया था 128 तो ये कौन सा नेटवर्क है सेकंड है, इससे पहले 127 बट लास्ट वैल्यू लेके 126 तक तो क्या जाएगी वैलिड आईपी और 127 क्या है ब्रॉडकास्ट, बट सर ये लास्ट पूछ रहा तो एक स्टेप पर जाएंगे, हाँ लास्ट पे जाएंगे अभी जाएंगे 128 प्लस 256 तो होता ही नहीं ना, नहीं सर तो लेना पड़ेगा 255 ब्रॉडकास्ट क्या बनेगा ब्रॉडकास्ट और 255 से पहले 254 ये आ जाएगा पहले, लास्ट है यही तो लास्ट है जी सर, से जाएगा ये 254 तक। चलो दिखा दो अब आ गया आपको भी ले लो जी सर, यही था ना जी सर बस लास्ट वाला मेरे को ये कंफ्यूजन था बस विच सबनेट डज होस्ट, कोई दिक्कत एंड हाउ मेनी सबनेट ये वाला सर धीरे धीरे आएगा, ये लो ये पूछ रहा है फर्स्ट वैलिड होस्ट नेटवर्क में, तो भाई अभी नेटवर्क में जाना है अपने को, ये लो करके देखो अब तो इसके सबनेट मास को उठा लो पहले तो सीधा जी। कुछ नहीं करना आग बंद करके सबनेट मास उतार लो पहले तो, बाद में देखना जो भी क्वेश्चन है जी सर। अब इसका इंक्रीमेंट निकाल के देखो 16, निकल रहा है नहीं 16 सर 16 बहुत बढ़िया, अगर ये पूछ रहा है कितने आईपी निकल रहे हैं कितने नेटवर्क है तो यही 2 की पावर एच माइनस 2 और 2 की पावर एन वाला फॉर्मूला लगा दो ठीक है, अगर ये नहीं पूछ रहा तो फिर क्वेश्चन पढ़ो व्हाट इज द फर्स्ट वैलिड होस्ट ऑन दिस सबनेट, इस नेटवर्क में पहला होस्ट कौन सा है। अच्छा ठीक है भाई तो मैंने उतारा 192.168.153 क्योंकि मेरी तो तीन ही ऑक्टेट मैच है जी सर, फोर्थ वाली क्या कर दी जीरो, ये फर्स्ट नेटवर्क है, अब मुझे जाना है जहां पे 107 आ जाए है ना जी सर, तो 16 का इंक्रीमेंट जाएगा फर्स्ट सेकंड नेटवर्क 16 दूनी 32 थर्ड 16 3 48 फोर्थ 16 4 64 फिफ्थ 16 5 80 ये जाएगा ना सिक्स जी सर 16 6 96 ये आ गया ना हमारा, देखो ये कौन सा नेटवर्क है सेवन, और फिर किसके जाओगे 112 8 और ये कौन सा वाला है 107 तो ये ऐसा होगा 112 168 153.96 192 168 153 112 तो 111 क्या होगा ब्रॉडकास्ट, 97 से 110 तक के जाएगी वैलिड आईपी, अरे बहुत शाबाश ये लो 97 बस वैलिड होस्ट 97 जी सर, बहुत सिंपल ट्रिक है बहुत ही ज्यादा जी जी सर। बढ़िया क्वेश्चन क्या लिखा है, विच सबनेट डज होस्ट दिस आईपी बिलोंग टू, यहां पे सबनेट लिखा आ जाए उसका मतलब ये कौन से नेटवर्क का होस्ट है जी सर, चलो बहुत सिंपल है देखते हैं, तो 27 का 20 का निकालने के लिए 27 अब आप देखो आपको करना है सॉल्व, मैं सिर्फ हेल्प करूंगा आप मुझे बताएंगे क्या क्या करना है मैं वही लिखूंगा, तो पहले किसको ब्रेक करोगे 27 को सर, बिल्कुल इसका सीएसएम बनाओ 8 इसका जगह 225.225.24.43 2 and 24 इंक्रीमेंट कितना आएगा 32 बिट सर, बहुत फास्ट। चलो अब देख लो ये उठा लो कुछ नहीं देखना 172 27 163 तीन ऑक्टेट फुल है और फोर्थ वाली को आग बंद करके क्या कर दो जीरो फर्स्ट, कौन सा नेटवर्क है फर्स्ट
तो 32 आ गया, कितना हो गया सेकंड, 64, थर्ड 96, फोर 128, फिफ्थ 166, 192, 27. अब आप एक बताओ, जो 167 है वो कौन से नेटवर्क में आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा ना? जी जी सर, देख लो तो इसका 172, 27, 163, 191 क्या होगा? होस्ट ब्रॉडकास्ट। 161 से 190 तक क्या निकलेगी? वैलिड आईपी। भाई आपने निकाला ये लो क्वेश्चन, सॉल्व कर दिया आपने तो। 161 उसने पूछा है नेटवर्क, तो नेटवर्क मैंने पहले लिख दिया, 6th नंबर के नेटवर्क में आ रहा है। जी सर। होस्ट नहीं पूछा ना, उसने बोला है विच सबनेट डज होस्ट, कि कौन से नेटवर्क में है ये, तो 160 वाले नेटवर्क में आ रहा है ना। जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, ये तो बहुत बढ़िया, लास्ट वैलिड होस्ट ऑन सबनेट। चलिए आप करिए, मैं देखता हूँ फिर आपका। सर ये तो फुल हो गया, आंसर बता देना। इसका सर 888 यानी 225.225.225.128। नहीं, 24 का मतलब 255 और 20 इसका हो जाएगा सर 19107 और डॉट 0, ये पहला नेटवर्क। जी सर। 72, 19, 107 और डॉट 255, ये ब्रॉडकास्ट। जी सर। 254 तो क्या बन गया इसका लास्ट, लास्ट आईपी और वन से लेके जाएगी तो। जी सर। जी सर। देख लो यार यही है या नहीं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लो आप। अब आप करेंगे इसे, मैं देखता रहूंगा, जहां पे मिस्टेक होगी मैं बता दूंगा। चार क्वेश्चन कराऊंगा ऐसे और ये खत्म हो जाएगी क्लास, फिर एफएनएसएम, वीएलएसएम और फिर प्रैक्टिकल सारे। ओके। व्हाट इज द वैलिड होस्ट, बात की कहानी देख ले, बाद में देखेंगे। सबनेट मास से इंक्रीमेंट निकाल लो बस पहले तो। 64 इंक्रीमेंट बिट हो गया सर। 64 आया। अब देखो कुछ नहीं करना, ये वाला लास्ट, ये वाला जो हिस्सा है इसको यहाँ पे उतार लो आप ऐसे करके। 18 170 डॉट, तीन ऑक्टेट तो फिक्स है मेरे को, सबनेट मास में दिख गई। फोर्थ वाली को क्या कर दिया? जीरो। फर्स्ट नेटवर्क, फर्स्ट नेटवर्क। अब इसको कहाँ तक ले जाओ? जब तक आपके पास 190 वाला मिल जाए। कौन से नेटवर्क में आएगा देख के बताओ? अपने पास निकालो। 172, 18, 70, 64। हाँ निकालो ना, ऐसे इंक्रीमेंट लेते जाओ, कौन से नेटवर्क में आएगा मुझे बताना। 64 + 64 = 128। बिल्कुल। फोर्थ में नहीं आएगा ये, दोबारा देखो क्या है 190 और ये कितना है 192, तो 191 क्या होगा ब्रॉडकास्ट और ये 190 क्या होगी आईपी 129 से। तो ये कौन से नेटवर्क में निकलेगा? 172.190.129 में से। देख लो यही है क्या? बहुत बढ़िया, देख लो 129 से 190 तक। जी सर। आईपी आ गई ना? यस और नो? यस सर। चलो ठीक है, मान गए। एक और क्वेश्चन करवा लेते हैं। देखो सबनेटिंग अगर आपने प्रैक्टिस करी ना, मजा आ जाएगा करने में, कुछ ऐसा नहीं लगेगा जो पढ़ा नहीं है। अगर प्रैक्टिस नहीं करी तो भूल जाओगे। अब ये क्या कह रहा है? लास्ट वैलिड होस्ट, वैलिड होस्ट निकाल दोगे आप। सबनेट मास पकड़ो, इंक्रीमेंट निकाल दो बस पहले तो। 192 - 254 64 हो जाएगा इंक्रीमेंट बिट सर। 64 और देखो 128 वाले नेटवर्क में ये 64 का ऐसे इंक्रीमेंट ले जाओ जहां पे 128 आ जाए। तो सर 128 का सर फर्स्ट सेकंड लास्ट चाहिए सर। 168 105.0 पहला नेटवर्क, सेकंड 64 सेकंड
128 के नेटवर्क का पूछ रहा है, यानी क्योंकि 128 आ गया ना, तो 128 प्लस 64 192 ये 4, तो अब ये पूछ रहा है लास्ट वैलिड होस्ट 190 आ जाएगा सर, ये ब्रॉडकास्ट और 190 क्या है, 190 वैलिड आईपी हो जाएगा सर, 129 से लेके 190 तक वैलिड, तो लास्ट मेरी वैलिड आईपी कौन सी है, 190 हो गया, 190 ये लो भाई आपने निकाल दिया, ये लो, क्लियर है जी सर, डाउट है इसमें बताएं, नहीं नहीं सर ये ठीक है, ओके सर, हाँ ये सबनेटिंग का पार्ट ही आपको क्लियर ही रखना है, ये लो एक और निकालो, लास्ट वैलिड होस्ट पूछ रहा है ये वाला, चलो स्लाइड पे उतार देता हूँ आप करना, फिर 110.240 इस क्लास बी का है ना सर, 240 में 16 बिट इंक्रीमेंट बिट हो गया सर, 16 इंक्रीमेंट बिट हो गया, इसका निकालना मैं लास्ट सबनेट, तो 40 का इंक्रीमेंट कितना आएगा, 16 आ जाएगा सर, 16 आएगा, अब उसमें देखो आपने सबनेट मास्क में कितनी ऑक्टेट मैच हो रही है उस एड्रेस में जो दिया हुआ है 10 डॉट वाला, 2 सर, 10.77.0.0 पहला नेटवर्क लिखो जी सर, 10.177.16 बहुत बढ़िया, अब 16 को इतना ले जाओ जहां पे 128 आ जाए जी सर, 32 48, फिर इसके बाद 864 80 96, कहाँ तक जाना है सर हमें, 128 32.0 थर्ड जाएगा जी सर, 48.0 फोर्थ जाएगा, 48.64.0 आएगा फिफ्थ, फिर 80.0 आएगा सिक्स, फिर 96.0 आएगा, फिर 8 112 आएगा, तो 112 से लेके देख लो 10.177 112.078 नेटवर्क और 10.177.16 हो गया तो 128.0 ये कौन सा नेटवर्क, 9 वो पूछा लास्ट वैलिड होस्ट इस नेटवर्क का, तो भाई 128 से भी नीचे जाना है, 10.177.144.0.143 आएगा .255 भाई ये वाली ऑक्टेट जब प्लस वन होगी तभी तो ये बनेगी जी सर, 143.255 क्या बनेगा ब्रॉडकास्ट, और 143.254 लास्ट, और 128.1 से जाएगा ये, है ना जी सर, तो 143.254 क्या होगा लास्ट वैलिड होस्ट, चेक कर लो 143.254 जी सर, देखो क्यों कर रहा है ये नेम जी समझो, क्योंकि अभी मेरे सबनेट मास्क में थर्ड ऑक्टेट फुल नहीं हुई, तो मैं फोर्थ से फुल कर दूंगा, तो इसलिए जब 144 आया तो मैंने इससे पहले 143.255 करा, तो प्लस वन करता तो 144.0 होता, जीरो होता जी सर, ले रहे जी सर, एक और कर ले, ओके सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पूछ रहा है कि भाई कौन सा नेटवर्क ये वाला होस्ट लेके बैठा हुआ 96 वाला, 8 8 16 8 22 का पहले CSM बनाना है, फिर इंक्रीमेंट निकालना है, एक क्लास बी में आएगा सर 22.55.255.4 4 का इंक्रीमेंट बिट हो जाएगा आपका, ध्यान से देख लो 8 और 8 कितने होते हैं 16 और 16 और 6 कितने होंगे 22, तो 3 बिट ऑन होगी 6 बिट, हाँ तो 6 का हो जाएगा सर 252 आएगा ना जी सर, इंक्रीमेंट बिट का आएगा 4 बिट का, 4 बिट का आवा है ना, तो 172.30. दो ऑक्टेट फुल है, थर्ड ऑक्टेट तो फुल ही नहीं है,
तो जीरो डॉट जीरो फर्स्ट नेटवर्क 96 वाला ढूंढना है कहां पर आएगा, है ना जी सर। देख लेते 172 डॉट 30 डॉट 0 8 डॉट 0 12 डॉट 16 डॉट 20 डॉट 20 24 28 32 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 फिर प्लस 4 92 अरे पहुंचने वाले हैं 96 डॉट जीरो आ गए ना। एक दो तीन चार पाँच छह 230.96 तक जाना है 230 क्योंकि देखो थर्ड ऑक्टेट में अभी फुल नहीं है और 230 है तो फिर जाओ 400.0 104.0 कोई नहीं जितना लंबा कर पाएंगे उतना सही है 116 डॉट 120 डॉट 124 128 132 136 140 44 48 52 56 60 64 68 72 80 84 80 84 अरे बहुत है अभी तो 188 चलो दोबारा इधर से आ जाओ एक लाइन खींच दो 192.0 आ गए हम 196.6 200.0 204.0 224.0 प्लस 4 है ना 248 228.0 232 232.0 वाह भाई पहुंच गए। तो ये नेटवर्क है और 232 से पहले क्या आएगा 231.255 है ना ऐसे कुछ होगा तो इसको सही से लिख लेते हैं ताकि हमें विजिबल हो जाए। जी सर 228.0 232.0 तो 231.255 ब्रॉडकास्ट 228.1 से लेके 231.254 तक वैलिड आईपी है। अरे भैया बहुत लंबा हो गया तो पूछा गया था विच सबनेट डज होस्ट तो भाई नेटवर्क है 228 वाला क्योंकि 230 इसमें ही आएगा 228 वाले में है ना 230 यहीं तो निकलेगा। देखो पहले 228 डॉट 1 से जाएगा 255 फिर 229 हो जाएगा डॉट 1 से जाएगा 255 फिर 230 हो जाएगा 1 से जाएगा 255 तो यानी इसी नेटवर्क में निकलना ही है। जी सर 228.1 इसका क्या पूछा सर लास्ट पूछा है ना 231.254 वैलिड आईपी लास्ट वाली तो ये कौन से नेटवर्क में निकल रहा है देख के बताओ लास्ट 230.228.0 निकाल दिया ना हमने तो ये क्या होती है नईम जी सुपर सबनेटिंग एक्स्ट्रा ऑर्डरिंग। ओके सर इस वेबसाइट पे प्रैक्टिस करनी है आज आपको सिर्फ आज और नेक्स्ट वीक तक करनी है समझ लो सबनेटिंग पूरी खत्म होनी चाहिए नेक्स्ट वीक। जो मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट वीक हम दो टॉपिक एक साथ पढ़ेंगे पहले मैं पढ़ाऊंगा FLSM ओके सर VLSM ठीक है फिर उसके बाद पढ़ाऊंगा ब्रॉडकास्ट और कॉलेजर ठीक है। ओके सर दो टॉपिक ये होंगे 1 आवर के कितने आवर के 1 आवर के जो 1 आवर बचेगा उसमें क्या स्टार्ट करूंगा बेसिक कमांड क्या स्टार्ट करूंगा बेसिक कमांड यानी आप रियल टाइम डिवाइस का कॉन्फ़िगरेशन करना सीखोगे क्लियर हो गई ये कौन सी क्लास की हो गई वन क्लास की
जब सेकंड क्लास में जाएंगे तो हम सीखेंगे VLAN बनाना. क्या बनाना सिखाऊंगा? VLAN बनाना. और फिर सिखाऊंगा एक्सेस पोर्ट. क्या सिखाऊंगा? एक्सेस पोर्ट. और क्या सिखाऊंगा? पोर्ट टू VLAN मैपिंग. तो ये 1 आवर का सेशन में जाएगा. ठीक है, फिर जो 1 आवर बचेगा उसमें पूरा टॉपिक कौन सा पढ़ाऊंगा? डीटीपी. तो याद रखना, नेक्स्ट क्लास तक सबमिटिंग खत्म होनी चाहिए आपकी. क्लियर है सर? जी सर. ये वीडियो अपलोड कर दीजिए सर. अभी नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट हो जाएगी. पहले हम स्विचिंग खत्म करेंगे 4-5 क्लास में, फिर राउटिंग. जी सर. ओके सर. ठीक है, अभी इस बार हमारा थोड़ा सा डिले हो गया, तबीयत खराब.